तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट डिज़ाइनिंग पे। और आज हम बेबी कॉलर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी कॉलर बनाना बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स कटिंग भी और स्टिचिंग भी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं डबल फोल्डिंग में मैंने कैनवास बिछा लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ब्लाउज़ है जिसके अंदर हमको कॉलर चढ़ाना है यानी बनाना है। तो सबसे पहले तो इस ब्लाउज को मैं बिछाना बताऊंगा जो किस तरीके से बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज का नेक है और हमको इस तरह से इसको बिछाना है कैनवास के ऊपर, और इसके ऊपर इसके बाद हम पेन के निशान लगाएंगे इस राउंड के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये निशान लग चुके हैं। अब कुछ इस तरह के कलर हमको ड्राइंग करना है। तो फ्रेंड्स, कलर ड्राइंग करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये कलर ड्राइंग हो चुकी है। अब इसके हम पहले तो कटिंग कर लेंगे और फिर इसको चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमको इसको इस तरीके से पीछा लेट से को ज्वाइंट करके और इस तरीके से कपड़े पे चिपकाना है इसके, जिससे हमको कॉलर लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये रही वो कॉलर जो हमको लगानी थी। तो सबसे पहले तो हम इसको आधा इंच के मार्जिन से पूरी कटिंग कर लेंगे इस कॉलर की। तो फ्रेंड्स, ये कॉलर पूरी आधा इंच के गैप से कट चुकी है। अब इसके अंदर वाले हिस्से को कट लगा लेंगे, और जिस हिस्से को कट लगाना है वही हिस्सा हमारा कॉलर पे चढ़ेगा। जिस हिसाब से हम कॉलर चढ़ाते तो वो इस हिस्से से चढ़ेगी पहले तो कॉलर। तो कट लगा लेते पहले तो। और फ्रेंड्स, ये कट लग चुके हैं। अब जिस हिस्से में हमने कट लगाए उस हिस्से को हमको पाव इंच पलटना है कैनवास की बराबरी से, और किनार पर सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये किनार की सिलाई लग गई है और आधी कॉलर तैयार हो चुकी है। और अब हमको इसके ऊपर रख के जो बाहर वाला कपड़ा जो दिख रहा है इसका आधा इंच बढ़ता हुआ, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इस कपड़े को भी आधा इंच काट लेंगे पूरे को जो स्टिचिंग हुई उसके बाद से, और अंदर से भी हम पाँच इंच की गेप से काट लेंगे जहाँ से हमने
एकदम किनार पे सिली लगाई थी फोल्ड करके। फ्रेंड्स ये कॉलर की कटिंग तो कंप्लीट हो गई, अब इसको मैं पलटाना बता देता हूँ आपको, पलटा के बता देता हूँ ये कॉलर। तो फ्रेंड्स कॉलर हमने फिनिशिंग से पलटा लिया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी फुली भी है तो इसको तो प्रेस करने से सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमेशा ध्यान रखना कॉलर चढ़ाते वक्त कि जब ये पलटने के बाद बाहर आए तो इसका कैनवास का हिस्सा, कैनवास वाला हिस्सा जिस पर हमने कैनवास चिपकाया था कॉलर में, तो वो बाहर की साइड ही आए, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स हम इसको अब चढ़ाना बताता हूँ, मैं आपको इसको कलर को चढ़ाना बताता हूँ किस तरीके से चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कॉलर तो पूरी एक तरफ से चढ़ चुकी है, अब इसके अंदर हम बाहर वाली सिली लगाएंगे कॉलर को ऊपर की साइड पलटा के। तो फ्रेंड्स ये कॉलर कंप्लीट है, प्रेस करेंगे तो पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय।